मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले राज्य की सियासत में एक बार फिर हिंदुत्व पर वार पलटवार का खेल शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व को लेकर बयान दिया है। उनके बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि दिग्विजय और कमलनाथ को वोट की फसल की चिंता है, इन दोनों को हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं उन्होंने एक बयान में कहा कि ये राज्य पहले बीमारू राज्य कहलाता था। सुनिए। मध्य प्रदेश ने भी कम प्रगति नहीं की मेरे बहनों और भाइयों, एक समय था जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था। हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी, हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, हमारे यहाँ पानी नहीं था। तब और अब के मध्य प्रदेश में जब मैं याद करता हूँ तो जमीन और आसमान का अंतर था। एक जमाना था 2003-4-5 का, मुझे याद आता है मध्य प्रदेश में आतंक का राज था। उत्तरी मध्य प्रदेश में डकैतों का आतंक जनता को चैन से सोने नहीं देता था। और तब हमने तय किया था मध्य प्रदेश की धरती पर डाकू नहीं रहेंगे। मैं अपने पुलिस बल को बधाई देता हूँ, हमने संकल्प लिया और 6 महीने के अंदर चंबल के बीहड़ों से सारे डकैत समाप्त कर दिए गए। वो समय था तब नक्सलवादी एक सिटिंग मंत्री जी की गर्दन काट के ले गए थे। हमने नक्सलवाद को नेस्त नाबूद करने का काम किया है, आतंक को कुचलने का काम किया है, सिमिक नेटवर्क को मध्य प्रदेश में ध्वस्त कर दिया गया। और आज भी अगर इक्का दुक्का कोई घटना होती है तो हमारा पुलिस बल, हमारे जवान, चाहे नक्सल हो चाहे आतंकवादी हो, कुचलने में देर नहीं करते। मध्य प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज हम बीमारू नहीं है, आज हम समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में सफल हुए हैं। कभी मध्य प्रदेश में टूटी फूटी केवल 60,000 किलोमीटर सड़कें हुआ करती थी। मुझे कहते हुए गर्व है कि आज हमने ग्रामीण सड़कों को मिला लें तो 5,00,000 किलोमीटर से ज्यादा शानदार सड़कें बनाने का चमत्कार मध्य प्रदेश की धरती पर किया है। बिजली पहले कभी कभार देखने मिलती थी, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है, पहले बिजली अपने पास उत्पादित होती थी 2900 मेगावाट, उपलब्धता थी 5,000 मेगावाट, लेकिन आज 29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हमने कर लिया है। मुझे कहते हुए गर्व है, पहले सिंचाई की व्यवस्था केवल आजादी के बाद की नहीं, आजादी के पहले की भी, राजा, नवाब, अंग्रेज सब ने मिलकर की थी, केवल 7.5 लाख हेक्टर। और प्रदेशवासियों, मुझे कहते हुए गर्व है कि आज हमारे पास सिंचाई की क्षमता हो गई है 47 लाख हेक्टर। तब हमारी प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी केवल 12,000 रुपया, लेकिन आज मुझे कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपया हो गई है। तब हमारी अर्थव्यवस्था का आकार था केवल 71,000 करोड़ रुपया, आज हमारी अर्थव्यवस्था 13.5 लाख करोड़ के पास है, हम 15 लाख करोड़ को छू रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, तब विकास दर कभी हुआ करती थी 0.1%, आज कहते हुए मैं गर्वित हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ, पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि मध्य प्रदेश की विकास दर 16% के पार निकल गई है।